हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विजडम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग इज विजडम में। तो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 की बायोलॉजी चैप्टर 8, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में एंड इसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आपकी जो बॉडी है या हमारी बॉडी है वो किससे बनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके मन में, हमेशा ये सवाल भी आते होंगे। तो इस सवाल का आंसर इसी वीडियो में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, यानी कंप्लीट देखिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद उसके डिस्कवरी के बारे में, सेल होता क्या है, फिर सेल के नंबर्स के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके साइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में, ओके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एज यू नो दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आपको पता है कि थिंग्स क्या है, थिंग्स में क्या आते हैं, लिविंग आएंगे और नॉन लिविंग आएंगे, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग आप लोग जान रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये दोनों का कैरेक्टर क्या होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग का। तो आप लोग लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को अपने सराउंडिंग एरिया में देखते हैं, ठीक है, अपने चारों ओर देखते हैं, लिविंग थिंग्स को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को भी, ठीक है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। तो देखिए, यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है, इस सारे फिगर में आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट ह्यूमन बींग भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिम्टम क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिस्पायर करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे लक्षण होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। लेकिन अब नॉन लिविंग का अगर बात करें, तो नॉन लिविंग क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, ना ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ना ही वो रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है। तो और ये सारे जो क्या है, जो फिगर में दिखाए गए हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका एक बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शंस किसके कारण करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम लोग पढ़ेंगे ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शन करते हैं आखिर किसके कारण, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि तुरंत लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना और लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शन करना स्टार्ट कर दिए। तो इसके पहले कहीं ना कहीं कोई बात है, तो उसी बात को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ बनते कैसे हैं, तो ये बने हैं सेल से, ठीक है। जी हाँ, ये बने हैं सेल से। तो आखिर सेल होता क्या है, तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं। तो आप प्लांट्स को देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, वो साइज में भी डिफरेंस है, ठीक है। उसके शेप भी अलग होते हैं, उनका हैबिटेट भी अलग होता है, उनका हैबिट भी अलग होता है, उनका खाने का तरीका भी अलग होता है, उनका फूड भी अलग होता है। लेकिन ये सारे क्या चीज़ हैं, ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर हैं, क्योंकि उनका जो शेप साइज बढ़ता है घटता है, ठीक है। हैबिटेट चेंज होता है, उसकी आदतें चेंज होती है, उसका घर रहने का घर चेंज होता है। तो ये सब कॉमन फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम, ये सारे जो हैं, ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ टेनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ये सारे एक टेनी यूनिट से बने होते हैं, एक इतने छोटे यूनिट से बने होते हैं जिसका नाम होता है सेल्स, यानी कोशिकाएं, ठीक है। सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं, सेल्स यानी कोशिकाएं, ठीक है। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल से, ठीक है। अगर बायोलॉजी के वर्ड में देखा जाए तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे हमारे बॉडी का, यानी हमारे लाइफ का जो फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वो सेल होता है। हम कोई भी फंक्शन करते हैं, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये सारे सेल्स के कारण होते हैं, ठीक है। अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गेन नहीं बनेंगी, ऑर्गेन नहीं होगा तो हमारे बॉडी का ऑर्गेन सिस्टम नहीं चलेगा, जब ऑर्गेन सिस्टम नहीं चलेंगे तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सेल क्या है, एक यूनिट है, हमारे लाइफ का एक यूनिट है, जिसके कारण एक बेसिक फंक्शन होता है और बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल्स एंड द रोल प्ले बाय दिस पार्ट्स इन द वर्किंग ऑफ सेल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्स का बेसिक पार्ट क्या है, आखिर सेल हैं तो सेल के पार्ट्स भी होंगे, ठीक है, और ये अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, ठीक है, और ये सेल्स कैसे वर्क करते हैं, हम लोग इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, ओके।
डिस्कवरी ऑफ सेल्स, तो सबसे पहले सेल की बात आता है, तो सेल का कोई ना कोई डिस्कवरी किया होगा तभी तो सेल के बारे में पता चला, ऐसे तो सेल के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन इसका डिस्कवरी हुआ, इसकी खोज हुई, आखिर किसने खोज किया सेल के बारे में, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने सेल का डिस्कवरी किया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में कॉर्क का एक स्लाइस लिया था। ठीक है, आखिर कॉर्क क्या होता है, कॉर्क जो होता है वो होता है बार्क ऑफ ट्री का एक पार्ट, यानी पेड़ की जो छाल होती है उसका एक पार्ट होता है कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास में, यानी सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास में या डिवाइस में उन्होंने कॉर्क का एक टुकड़ा लिया, एक स्लाइस लिया, और उसने उसका ऑब्जर्व किया, उसकी स्टडी की। ठीक है, सेल की स्टडी की इस स्लाइस में। तो कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द स्लाइस बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि जो कॉर्क होते हैं वो ट्री का जो छाल होता है, यानी कि बार्क पेड़ होती है, पेड़ की जो छाल होती है उसी छाल का एक पार्ट होता है कॉर्क। ठीक है, ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैम अंडर ए माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंडर कॉर्क का एक स्लाइस लिया, यानी कॉर्क का एक टुकड़ा लिया, और उस माइक्रोस्कोप में रख के उसे स्टडी किया, उसे ऑब्जर्व किया। जब उसने ऑब्जर्व किया इस स्लाइस को, तो क्या पाया उन्होंने, ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस फॉर कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। तो उन्होंने उस स्लाइस में एक पार्टीशन पाया, कंपार्टमेंट पाया, बक्से की तरह, यानी बॉक्स की तरह दिखने वाला एक कंपार्टमेंट एंड पार्टीशन देखा उन्होंने उस स्लाइस में। तो दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकम, ये सारे जो बॉक्सेस है, जैसे कि ये बॉक्सेस है, देखिए ये है ना बॉक्सेस, तो उन्होंने कॉर्क के स्लाइस में इसी टाइप का बॉक्स देखा। ठीक है, तो इसी बॉक्स को देखा, तो हर एक बॉक्स को देखा, तो उन्होंने देखा कि वो बॉक्स जो होते हैं हनीकम की तरह दिखाई देते हैं, यानी मधुमक्खी की जो छते होते हैं छत की तरह दिखाई दे रहा था, मधुमक्खी का छत की तरह। ठीक है, ही ऑल्सो नोटिस डैट वन बॉक्स वॉज सेपरेट फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल ऑफ पार्टीशन। तो उन्होंने ये भी नोटिस किया कि हर एक बॉक्स एक दूसरे से सेपरेट है, अलग है। ठीक है, हर एक बॉक्स बना हुआ है, हर एक बॉक्स क्या है, अलग अलग सेपरेट है। ठीक है, और एक पार्टीशन बना हुआ है, हर एक पार्टीशन में दीवार की तरह, जैसे दीवारें होती है ना, एक दीवार, दूसरा दीवार, तीसरा दीवार, तो वैसे ही ये बॉक्स दिख रहे थे। ठीक है, हर एक बॉक्स अलग अलग सेपरेट था, यानी सेपरेट पार्ट में था, हर एक का वॉल दिख रहा था। ठीक है, पार्टीशन बना हुआ था, यानी विभाजित किया हुआ था वो बॉक्स। देखिए ये है माइक्रोस्कोप। ठीक है, हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर इट बॉक्स। तो उन्होंने, यानी हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक ने हर एक बॉक्स को क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। ठीक है, व्हाट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वेयर एक्चुअली डेड सेल्स। हुक ने, यानी रॉबर्ट हुक ने जब ये कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने जो पाया, उन्होंने जो कॉर्क के स्लाइस पे जो सेल देखा, यानी जो पार्टीशन देखा, बॉक्सेस देखा, वो क्या थे, एक्चुअली डेड सेल्स थे। ठीक है, लिविंग सेल्स नहीं थे, क्योंकि पेड़ की छाल का एक पार्ट है कॉर्क, ये कॉर्क क्या है, डेड सेल है। ठीक है, उन्होंने जब पाया उस कॉर्क की स्लाइस पे, देखा कि बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, और वो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर जो है मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला है, यही है कॉर्क स्लाइस, देखिए ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई दे रहा है ना, देखिए इसमें हर एक कंपार्टमेंट दिख रहा होगा आपको, देखिए छोटा छोटा बंधा होगा, देखिए इस टाइप का दिख रहा होगा। तो हर एक कंपार्टमेंट, यानी हर एक बॉक्स को उन्होंने सेल का नाम दिया, किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है, और दिखने में कैसा लग रहा था, वो मधुमक्खी का छत्ता जैसा। ठीक है, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्ड कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, तो वो माइक्रोस्कोप क्या था, प्रिमिटिव था, बहुत पुराना था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने देखा डेड सेल। ठीक है, लेकिन लिविंग सेल को देखना था ना, तो इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बीतते गया, और टाइम बीतने के साथ साथ माइक्रोस्कोप भी नए नए टेक्नोलॉजी के आते गए, माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट होता गया। जैसे माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट होता गया, तो उन्होंने देखा लिविंग सेल्स को उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 150 साल तक लगातार क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने इसकी सेल को तो देखा,
लेकिन फिर भी ना लोगों को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी सेल के बारे में। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बहुत से लोगों को यानी मोस्टली लोगों को क्या है, सेल के बारे में जानकारी है, सेल के फंक्शन के बारे में जानकारी है, सेल के पार्ट्स के बारे में जानकारी है। वो क्यों? क्योंकि आज के टाइम में नए नए टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप क्या इन्वेंशन होते गए, और नए नए टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन होने के कारण माइक्रोस्कोप का बहुत सारे चीज़ों की खोज हुई। तो उसमें क्या हुआ, सेल्स के फंक्शन के बारे में पता चला, सेल्स के पार्ट्स के बारे में पता चला, ठीक है। यानी स्टार्ट कैसे हुई थी, डेड सेल से। धीरे धीरे माइक्रोस्कोप इम्प्रूवमेंट होते गया माइक्रोस्कोप का, फिर उसमें लिविंग सेल्स देखे गए, तो ऐसे ही सेल्स के बारे में लोगों को पता चला, ठीक है। तो आप क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अभी द सेल्स, अब सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हमने बताया कि जो सेल्स होते हैं हमारे लाइफ का एक बेसिक यूनिट है, यानी एक हमारा हमारे लाइफ का एक आधार है सेल, ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड फ्रॉम सेल, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सारे किससे बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, यानी कोशिकाएँ के बने होते हैं। जस्ट एज ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे हमारा जो घर होता है वो ईंट से बनी होती है, यानी ब्रिक्स से बनी होती है। तो इन द सेम वे, तो वैसे ही ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड ऑफ अ सेल्स। तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जैसे घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, यानी ब्रिक्स की जरूरत होती है, तो वैसे ही हमारे बॉडी के बनने के लिए सेल की जरूरत होती है। यानी घर ईंट से बना होता है तो हमारा बॉडी सेल से बना होता है। दैट्स क्लियर। दस सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसीलिए जो सेल्स होते हैं हम एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी उसकी बनावट है, उसका आधार है, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। अगर सेल की परिभाषा जाने, उसका डेफिनेशन जाने, तो आप क्या बोलोगे, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ जैसे कि यहाँ पे फिगर में बताया गया है ब्रिक्स वॉल, देखिए ये ब्रिक्स वॉल है, यानी ईंट की ये दीवार बनी हुई है। जस्ट लाइक दीवार की तरह दिख रहा है सेल्स ऑब्जर्व इन ऑनियन पील, ये प्याज का सेल है, ठीक है। हमने क्या बताया, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी सेल्स से बने होते हैं, और सेल के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होते हैं। जैसे ब्रिक्स का वॉल होता है, वैसे जैसे कि दीवार होती है ईंट की, वैसे ही सेम उसी तरह दिखता है सेल। देखिए सेल का हर एक कंपार्टमेंट दिख रहा है, और हर एक कंपार्टमेंट में क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का पार्ट्स है, ठीक है। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इस सेल का देखिए, ये ईट कैसे है, कंपार्टमेंट बटा हुआ है, तो वैसे ही देखिए ये सेल का हर एक कंपार्टमेंट है, देखिए है ना, ऐसे देखिए हर एक कंपार्टमेंट, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट में क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। लेकिन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म क्यों है, क्योंकि ये लिविंग सेल है, ठीक है। ये ब्रिक वॉल है, ये लिविंग नहीं है, बट ब्रिक वॉल की तरह ये दिख रहा है, ठीक है। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच हैज ए डिफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जो हमारे सेल होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, टीनी यूनिट्स होते हैं हमारे बॉडी का, ठीक है। तो उसका एक क्या है, एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है, उसका एक फंक्शन होता है, और ये सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारे बॉडी में क्या होता है, परफॉर्म होता है, ठीक है, सेल के कारण। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी, बहुत सारे सेल्स होते हैं क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ सेल्स आर वेरी, बहुत सारे सेल्स बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारे मोस्ट ऑफ सेल्स मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ सेल्स छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। तो हम जैसे कि हमने क्या बताया, सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, विदाउट माइक्रोस्कोप हम सेल को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी सीन ओनली विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप का फिगर हमने दिखाया, देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप का फिगर है, देखिए ये है माइक्रोस्कोप, सेल को देखने के लिए इस टाइप के माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सेल को नेकेड आई यानी खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब है ऑर्गेनिज्म सो वैरायटी इन सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। देखिए ऑर्गेनिज्म्स हैं, ऑर्गेनिज्म्स क्या बने, ऑर्गेनिज्म्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है।
इसके जो सेल्स होते हैं उसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, उसके शेप होते हैं, उनके साइज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के कितने नंबर होते हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, बट द नंबर ऑफ सेल्स वैरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो सेल से बने होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो होता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म्स में वैरी करता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक टाइप के नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कंपेयर कीजिए कैट में या डॉग में, क्या दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, लेकिन शेप में, साइज में, फंक्शन में दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का शेप अलग है, दोनों का साइज अलग है, ठीक है। तो जो सेल के जो नंबर होते हैं वो ऑर्गेनिज्म्स के अकॉर्डिंग बदलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म्स टू ऑर्गेनिज्म्स वैरी करते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, वो केवल एक सेल से बने होते हैं, जबकि वाइल अदर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोर देन वन सेल, यानी एक से ज़्यादा सेल्स उसके बॉडी में पाए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वेराइटी इन द नंबर ऑफ सेल्स। यही क्या कहलाता है, सेल के नंबर का वैरायटी कहलाता है, यानी एक से ज़्यादा होना और एक बस एक ही होना। मान लीजिए एक सिंगल सेल है और ये इतना सारा सेल है, यानी एक से ज़्यादा सेल, एक सेल भी है और मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मिलियन ट्रिलियन सेल है। तो ये क्या हो रहा है, नंबर वैरी कर रहा है, ठीक है, सेल्स का। तो ये क्या है, सेल्स के वैरायटी है, नंबर ऑफ वैरायटी है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यानी सेल का जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे, बॉडी के आधार पे सेल का नंबर वेरी करता है, ठीक है। तो वो सेल का नंबर क्या होता है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। तो आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स टू होते हैं, वन एक यूनिसेलुलर जो एक सेल का बना होता है, और सेकंड होता है मल्टी सेलुलर जो मोर देन वन सेल, यानी एक से ज्यादा सेल का बना होता है, यानी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या होते हैं, द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेल इन देयर बॉडी। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सेल से बने होते हैं, उनका जो बॉडी होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन केवल एक सेल से होता है, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब वन, सेलुलर का मतलब सेल, यानी एक सेल से उसका बॉडी बना होता है, ठीक है। वन सेल इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल सेल। वन सेल को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंगल सेल कह सकते हैं। सो द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामेशियम। देखिए ये अमीबा का फिगर है, पैरामेशियम का फिगर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट ये दोनों सिंगल सेल के बने होते हैं, यानी इनका जो बॉडी है एक सेल का बना होता है, ठीक है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस्ड। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसे कि अमीबा की हम बात करें तो अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल का बना होता, सिंगल सेल का बना ऑर्गेनिजम्स है, यानी उनका बॉडी एक सेल से बना होता है। लेकिन फंक्शन के रूप में देखा जाए अमीबा को, अगर अमीबा की बात किया जाए फंक्शन के रूप में, तो अमीबा का जो फंक्शन होता है वो मल्टी सेलुलर से मिलता जुलता है। वो कैसे, क्योंकि देखिए अमीबा क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, रिस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे लक्षण मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं। लेकिन फंक्शन के मामले में देखा जाए तो अमीबा क्या होता है, मल्टी सेलुलर के समान उसका फंक्शन होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो अमीबा का बॉडी एक सेल से बना होता है, बस यही अंतर होता है अमीबा और, यानी अमीबा में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यही अंतर होता है एक। बस आपको ये याद रखना है कि अमीबा का बॉडी एक सेल से बना होता है, लेकिन फंक्शन के मामले में वो मल्टी सेलुलर से उसका मिलता जुलता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर के बारे में। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ
many cells are called multicellular organisms, यानी ऐसा organisms जिसकी body जो होती है वो एक से ज़्यादा cell का बना होता है, तो वो multicellular organisms कहलाता है, ठीक है? Multi means many, cellular means cell. Depending on its size, a multicellular organisms may be made up million, billion or trillions of cells joined together. Multicellular का मतलब क्या है कि किसी भी living organisms का जो body है उसमें सेल्स पाए जाएंगे मिलियंस में, ट्रिलियंस में, बिलियंस में, ठीक है? क्या होंगे? सेल की संख्या होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बने होते हैं बहुत ऐसे, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में प्लांट्स में देखा जाए, रोज प्लांट, ठीक है, नीम का प्लांट्स, ठीक है, ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? जैसे रैट, ह्यूमन बींग, एलिफेंट, ऑल आर देम क्या है? मल्टी सेलुलर, यानी इसकी जो बॉडी है वो एक से ज़्यादा सेल की बनी हुई है, ठीक है? नेक्स्ट, जैसे कि ये ट्री है, ये ह्यूमन बींग है, तो ये ट्री जो है इसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बींग में एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये मिलियन ट्रिलियंस की संख्या में सेल्स होते हैं इनके बॉडी में, ठीक है? तो ट्री के बॉडी में क्या देखा जाएगा? ट्री की बॉडी क्या होगी? उसकी लीफ होगी, उसकी स्टीम होगी, उसकी बर्ड होगी, उसकी फ्लावर होगी, ठीक है? और ह्यूमन की बॉडी क्या होगी? उसके लेग होंगे, उसके हैंड होंगे, उसके हैंड होंगे, तो इट इज़ ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है? नेक्स्ट, शेप ऑफ सेल्स, हमने नंबर ऑफ सेल्स के बारे में जाना, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, अब आप शेप ऑफ सेल्स के बारे में जानेंगे, यानी कि सेल के जो शेप होते हैं वो कैसे होते हैं। देयर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? तो बहुत सारे जो देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेल्स, हमने टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दिस सेल्स डिफर इन शेप, तो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जो शेप होते हैं वो डिफर करते हैं, ठीक है? जनरली सेल्स आर राउंड, जनरली सेल की जो शेप होता है वो राउंड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, इलोंगेटेड होता है, ठीक है? सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, ठीक है, बोथ एंड्स, द एक्सिबिट्स ए स्पेंडल शेप। कुछ सेल्स जो होते हैं वो उसकी जो शेप होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, पॉइंटेड टाइप का होता है, बोथ एंड से, यानी दोनों साइड से क्या है? पॉइंटेड, यानी कि स्पेंडल शेप होता है, ठीक है? ये सब सेल का साइज है, यानी सेल का शेप है, ठीक है? सेल्स, सम थिंग्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और ए न्यूरॉन। जैसे कि सेल की बात करें, जैसे कि नर्व सेल, हमारे बॉडी में नर्व सेल प्रेजेंट होता है, जो इसमें न्यूरॉन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन पार्ट में प्रेजेंट होता है ये न्यूरॉन, नर्व सेल। और नर्व सेल का क्या वर्क होता है? ये क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को, यानी मैसेज को हमारे बॉडी तक ये पहुँचाता है और हमारा ब्रेन क्या उसे रिसीव करता है, ठीक है? द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स, वेयर एज मसल सेल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स। देखिए, आपको ये याद रखना है कि सेल जो होते हैं, सेल का शेप बहुत होता है। देखिए, जैसे कि नर्व सेल लंबा होता है, ठीक है? मसल सेल देखा जाए, मसल सेल हमारे हाथ में होते हैं, ठीक है, हमारे हाथ में, जैसे कि हम हाथ ऐसे करते हैं तो मसल्स खिंचाता है हमारे बॉडी का, हमारे लेग में मसल सेल होते हैं, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या मसल सेल होता है उसमें, ठीक है? तो मसल सेल के कारण ही हम लोग मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नर्व सेल क्या होता है? हमें कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो हमें कैसे पता चलता है? ये नर्व सेल के कारण, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है? जैसे नेक्स्ट देखिए, ये बहुत सारे सेल्स हैं, इसके सेप हैं। देखिए, ये है नर्व सेल, सबसे फर्स्ट में नर्व सेल है, देखिए इलोंगेटेड है, मसल सेल है, इपिथेलियल सेल है जो हमारे स्किन में होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल है यानी RBC, वाइट ब्लड सेल है, ठीक है, ये भी एनिमल सेल है, बोन सेल है यानी हड्डी वाला सेल, ये भी एनिमल सेल है, कॉटिलेट सेल, बोन सेल यानी कि बोन मतलब हार्ड पार्ट, कॉटिलेज मतलब सॉफ्ट बोन, जैसे कि कॉटिलेज हमारे कान वाला पार्ट में होता है, हमारे नोज वाले पार्ट में होता है, तो ये भी क्या है? बोन है, तो ये भी सेल है, ठीक है। फिर एपिडर्मल सेल, जाइलम एंड फ्लोएम, ये प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सेल, जैसे कि प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्या एक्टिविटी कंप्लीट होती है, तो ये सारे सेल्स हैं और ये सारे सेल्स के शेप है। देखिए, हर शेप अलग अलग दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों मिले हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर।
नाउ नोट में है कि अमीबा हैज नो डिफरेंट सेप। हमने क्या बताया सेप के बारे में, लेकिन अमीबा की बात देखें तो अमीबा का कोई सेप नहीं होता है, अमीबा का कोई डिफिनेट सेप नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अमीबा अपना सेप चेंज करते रहता है। अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है, उसका कोई सेप नहीं बना हुआ है, ठीक है, इरेगुलर, क्योंकि उसकी बॉडी में सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल, सेल की साइज कैसे होती है। अगर साइज पता चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें सच में सेल दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर्स। जो सेल का साइज होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत स्मॉल होता है, मिलियंस में होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब इतना छोटा जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, अगर मैक्रो की बात करें तो हमें आपसे दिखेगा। माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है, माइक्रो मतलब इतना छोटा कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन मैक्रो क्या होता है, माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में ही अंतर होता है, ठीक है। तो सेल के जो साइज होते हैं वो फ्यू सेंटीमीटर्स के होते हैं, मिलियंस में होते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर्स में होते हैं, ठीक है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, यानी उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, यानी वो माइक्रोमीटर यानी बहुत छोटे, ठीक है। आर नॉट विजिबल द अनएडेड आई, यानी अनएडेड यानी नेकेड आई, हमें खुले आंख से वो दिखाई नहीं देते हैं, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं रहेगा आपको वो दिखाई नहीं देगा। दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, तो इसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको सेल दिखाई देंगे, ठीक है, सेल के साइज दिखाई देंगे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल इन 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें यानी बैक्टीरिया की सेल की बात करें तो उतने छोटे होते हैं, तो उसकी साइज क्या होती है, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है, यानी इतने छोटे होते हैं कि इसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm इंटू 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, वही अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें, ऑस्ट्रिच एक बर्ड का नाम है, ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, इसे हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिच का एग यानी ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो भी एक सेल है, ठीक है, लेकिन वो सेल हमें आंख से दिखाई देता है, ठीक है, और इतना बड़ा है 170 mm से लेके 130 mm। आप बैक्टीरिया की बात करें तो 0.1 कितनी छोटी है जो दिखाई नहीं देगी आंख से, लेकिन 170 mm और 130 mm किसका सेल है, ऑस्ट्रिच का सेल, यानी किसके, ऑस्ट्रिच के अंडे का एक का सेल, ठीक है, ये बहुत लार्जेस्ट होता है और इसे हम आंख से देख सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल को हम नहीं देख सकते हैं आंख से। साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स, देखिए सेल का जो साइज होता है उसका हमारे बॉडी के साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर आप यू कहें, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सेल का जो साइज है तो एनिमल के बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग बदलता होगा, बिल्कुल नहीं, सेल का जो साइज होता है वो बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी बहुत बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बॉडी का सेल का साइज बहुत बड़ा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी अभी हमने क्या बताया बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, तो उसके सोचिए उसकी सेल कितनी छोटी होगी। लेकिन ऑस्ट्रिच क्या है, एक बर्ड है, बर्ड को तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके एक भी हम आँख से देख सकते हैं, लेकिन उसके बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग सेल का साइज नहीं होता है, ठीक है। कोई भी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, तो उसकी बॉडी का जो साइज होता है उसका कोई रिलेशन नहीं होता है सेल के साइज से, ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना होगा। सम ऑफ द सेल्स आर हाउएवर बिग एंड कैन बी सीन ईजली विथ नेकेड आई, कुछ सेल्स जो होते हैं जैसे कि हैन मुर्गी के अंडे, वो भी एक सेल है, उसे भी हम आँख से देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच के अंडे, उसे भी हम लोग आँख से देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसे हम लोग आँख से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बताए गए हैं, एक बैक्टीरिया सेल है और एक बर्ड्स का एग है। देखिए बैक्टीरियल सेल्स
को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन हमें बर्ड्स के एक को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द ऑस्ट्रिच बर्ड, इट्स एग इज बिगेस्ट सेल, ठीक है, यही है ऑस्ट्रिच, आप लोगों ने देखा होगा जरूर। अब है जैसे कि हमने जाना कि सेल क्या है, उसके डिस्कवरी के बारे में जाना, उसके नंबर के बारे में जाना, शेप के बारे में जाना, साइज के बारे में जाना, ठीक है। अब कुछ ऐसे नोट है, जैसे कि आपको बता दूं कि हमारे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक लेवल है, ठीक है। सबसे पहले क्या बना, सेल, सेल से पूरी बॉडी बनी है, तो सेल से पूरी बॉडी बनी है तो आखिर सेल के बाद भी तो कुछ बना होगा, तो सेल के बाद टिश्यू बनता है, ठीक है, टिश्यू के बाद ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन के बाद ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम के बाद फुल्ली ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये एक लेवल है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। जैसे कि ये देखिए, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये छोटा सा सेल है, ठीक है, हमारे बॉडी का। तो ऐसे ही बहुत सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी में, तो सेल्स जब ग्रुप में बन जाएंगे तो टिश्यू बनाएंगे, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। अब ये टिश्यू किसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ये टिश्यू ऑर्गेन बनाएंगे। तो ऑर्गेन क्या होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे लीवर होते हैं, स्टोमक होते हैं, हार्ट होते हैं, ये सारे ऑर्गेन हैं। तो इस ऑर्गेन का सिस्टम भी तो होना ज़रूरी है, इस ऑर्गेन की एक्टिविटी होना भी तो ज़रूरी है हमारे बॉडी में। तो यही ऑर्गेन फिर ऑर्गेन सिस्टम करते हैं, ठीक है। देखिए ये ऑर्गेन सिस्टम है, जैसे कि ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लंग्स जिससे हम सांस लेते हैं, स्टोमक जिसमें खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, खाना जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेन है, और ऑर्गेन का फिर सिस्टम चलता है, जब सिस्टम चलेगा तब क्या बनेगा, फुल्ली ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये एक ऑर्गेनिजम्स है, एक ह्यूमन बींग खड़ा है, ये फुल्ली ऑर्गेनिजम्स है। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि सेल से टिश्यू बनना है, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम चलते हैं, फिर ऑर्गेन सिस्टम किस में चलेगा, एक ऑर्गेनिजम में चलेगा, ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप जरूर कमेंट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बाद में मैंने बताया है। ऐसे स्टूडेंट जिनको बायोलॉजी में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आई होप कि आपको अब दिक्कत नहीं होगी, मे बी दिक्कत नहीं भी हो रही होगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अब बचा सेल्स ऑफ, मतलब सेल्स के पार्ट, पार्ट्स ऑफ सेल्स, यानी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरी देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। जो हमारे चैनल के साथ नए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और वो एक बटन दिखता होगा रेड कलर का, उसे भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।